आज तक कोई भी सहयोग हमें नहीं मिला, ना कोई हमारे यहाँ आया। और गांव में तो उसका जो है हर वक्त चर्चा रहता ही है। खैर जी जी हाँ जी, फेफड़े इसके बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, जबकि इतनी हिम्मत का काम वो कर रहा है कि शरीर में नहीं है कुछ भी, और फिर भी जो इतना वो नाम कर रहा है तो हमें बड़ी खुशी है। और कहीं ना कहीं तकलीफ भी होती होगी कि मतलब डर भी एक रहता होगा। देखो डर तो जब आदमी वो है तो वो तो रही है कि जो है मतलब कभी कोई चोट उभर जाए या चसक जाए तो तकलीफ तो हो ही जाती है। बाकी आप जो है मतलब खुश हैं अपने बेटे? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं जी, और जो है बड़ा अच्छा नाम कर रहा है। दो गोली कान पे ही, तीन लगी बीच कमर में, कमर फट गई। और मेरे बेटे ने बहुत बहादुरी का काम करा, फेफड़े फटे पड़े हैं जी। हाँ, उसके तीन गोली शरीर में बीच में लगी हुई है। तो सरकार का कोई सहयोग, कोई आज तक कोई प्रशासन का आदमी यहाँ आया कभी? यहाँ कोई ना आया ऐसे। हमारे साथ खेले हैं, हम बहुत छोटे छोटे थे तो हमारे साथ फुटबॉल भी खेलते थे वो। मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ स्टेट लेवल का, वो हमें मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते रहते हैं। फिर भी आज 26/11 है, आज के दिन मुंबई ताज होटल में हमला हुआ था, जिसमें कि प्रवीण भाई ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था और वहाँ पे दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे प्रवीण भाई ने। ये उनका पैतृक गांव है, हालांकि प्रवीण इस वक्त यहाँ नहीं है, वो किसी काम से नागपुर और अब नागपुर से शाम तक मुंबई का रुख करने वाले हैं, जहाँ वो गेटवे ऑफ इंडिया पर एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लेकिन जिस तरह से गांव का माहौल है उससे एक बात तो साफ है कि यहाँ ये जोश इन लोगों में बरकरार है और सभी प्रवीण से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। श्रीपाल तेवतिया, ETV बुलंदशहर।